का आह्वान जो है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ही किया जाता है और आते हैं। हाँ जी, वो और महीनों में क्यों नहीं बुलाते और क्यों नहीं आते हो? वो समझते हैं कि भगवान जो है वो कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में आता है, तो हर वर्ष सत्युग का अंत, हर वर्ष नया युग है ना, तो हर वर्ष में पुराना युग भी होता है। तो अक्टूबर से पुराना युग हो जाता है शुरू, और जनवरी फरवरी मार्च नया युग हो जाता है। ये संगम युग है, इसलिए भगवान का आह्वान संगम युग में ही किया जाना चाहिए और युग में नहीं। तीन महीना इधर, तीन महीना उधर। हाँ जी, और एक बार ही उड़ जाइए ना बाबा। हाँ जी, जो आदि में बच्चे चोरी चोर के चले गए उनको बमा बाबा फिर बाद में बुलाते थे ब्राह्मणों के सन में, वो कैसा हो सकती है? जो कि चोरी चोर के होता तो दूसरा जन्म लिया होगा, फिर ब्राह्मणी में बुलाया वो कैसे तरह? तो प्रैक्टिकल में आते थे क्या? नहीं, फिर भी वो कैसा हो सकती है? वो प्रैक्टिकल में आते हैं क्या? तो प्रैक्टिकल में तो नहीं आते ना, जैसे पितरों को बुलाया जाता है और पितर आते हैं, तो क्या पितर शरीर में से जो जहाँ जन्म ले लिया वहाँ से छोड़ करके सही जाते हैं? नहीं, तो बातें बात करती नहीं आता, वो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है, वो उनको साक्षात्कार होता है, वो प्रवेश करते हैं, वो अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि वहां से शरीर छोड़ करके आते। ये सब खेल पाल है साक्षात्कार का। मीरा बैकुंठ देखती थी, तो क्या बैकुंठ होता था उस समय? नहीं होता था। हाँ, जैसे स्वप्न है ऐसे ही साक्षात्कार की लीला है। ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार को देख करके ज्ञान उनके मन में ज्यादा बैठा है ज्ञान। हाँ, ज्यादा बैठा, मतलब हमारा पार्ट जो है नई दुनिया में ऐसा ऐसा होगा। हाँ, तो जैसे मीरा को प्रैक्टिकल में नहीं मिला, हाँ, वैसे ब्रह्मा बाबा को भी प्रैक्टिकल में इस शरीर द्वारा तो नहीं मिला ना? हाँ, नहीं मिला, क्योंकि साक्षात्कार ही तो था, बुद्धि से निश्चय हो रही बेटा। बुद्धि का साक्षात्कार पक्का होता है या बंदाखों का साक्षात्कार पक्का है? बुद्धि का साक्षात्कार। हाँ जी, बुद्धि का समर्पण की बात बताइए। हाँ जी, बुद्धि का जो समर्पण होता है वो बाप समान बनता है। बाप समान बनता है, बुद्धि से जो समर्पण हो जाता है। हाँ, तो माया बाप समान बन जाती है? नहीं, तो माया कब शक्तिवान नहीं बनेगी? हाँ, कब शक्तिवान कम हो जाएगी माया? तो जिसे बुद्धि का समर्पण हो सकता है, जब वो बुद्धि से समर्पित हो जाती है तो सदशक्तिवान बन जाती है। वो कब हो? लास्ट में। इसलिए लास्ट की जो दुनिया है बाप वाली आधा कल्प की, उसमें उसको पद मिलता है ऊंचा, और जो 2500 साल की दुनिया है उसमें दास दास भी बन के रहना पड़े। अभी संगम युग में जो है, संगम युग में, अभी संगम युग में तो दास दास भी बनना ही है। अभी तो वर्चस्व जमा रही है। अभी अभी की प्राप्ति बाप कहाँ कराता है? बाप इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आया है या भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया? आपको कौन सी प्राप्ति करनी? हाँ जी बाबा। हाँ, माया जो बाप बुद्धि से जब समर्पित होगी तभी वो सर्वशक्तिमान का टाइटल धारण करती
हाँ जी, उसके पहले तो सर्वशक्तिमान नहीं रहती। नहीं, तो आज के तारीख में जब माया ने अपनी बुद्धि समर्पित नहीं की है, फिर भी वो बाप को इतना कट्टर मुकाबला कैसे कर पाती है? देखो, बुद्धि से अर्पण हो जाती है, लेकिन आज तो बाप का कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन बच्चे को तो खींचने में कामयाब हो जाती है ना, बाप से दूर करने में, नीचे उखाड़ने में। हाँ, तो तभी तो उसका 2500 साल राजी चलता है। नहीं, लेकिन आज नहीं तो सर्वशक्ति क्यों टाइटल मिले? अगर 2500 साल से ज्यादा वो कम उसका राज्य चले तो सर्वशक्तिमान नहीं होगी ना। लेकिन सर्वशक्तिमान तो बुद्धि समर्पित करने के बाद होती है ना। हाँ जी, टू लेट का बोर्ड लग जाता है ना तब। सर, आज तो नहीं है, स्वर्ग में थोड़ी ही सर्वशक्तिमान होगी। वो तो 2500 द्वापर के बाद। हाँ, तो नरक की दुनिया में सर्वशक्तिमान होगी जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। लेकिन शूटिंग पीरियड में बाबा अभी, हाँ, इस वक्त तो सर्वशक्तिमान नहीं है। अभी कहाँ है सर्वशक्तिमान? इस वक्त तो अभी बाप के लिए सर्वशक्तिमान है क्या? बाप के मुकाबले तो नहीं है ना। बस बराबर है, उसका भी जोर बराबर है, बाप रास्ता कसी है। अब बच्चे जिसका साथ दे दे उसी की जीत हो जाएगी। लेकिन बाप तो सर्वशक्तिमान है। बाप सर्वशक्तिमान है, वो तो नहीं है। और माया अभी जिस दुनिया में है उसमें सर्वशक्तिमान है, वो सड़क की दुनिया में नहीं है अभी। बाप तुमको सड़क की बात सही देने आया है, इसलिए बच्चे जिस तरफ पाला में ज्यादा ताकत लगा देंगे उसी की जीत हो जाती है। अभी भी हार जीत का खेल चल रहा है। इसलिए कहते हैं संघो शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन की पावर ज्यादा काम करती है। और अभी लास्ट चरण में हम लोग चुप करते हैं। हाँ जी, याद भर के हम खत्म नहीं कर सकते। और जब सौगुना पाप चढ़ाते हैं तो कहाँ जाएगा? लेकिन फिर दादी गुलजार को भी वो अभी शरीर से चुप्पू करना पड़ता है। हैं? दादी गुलजार भी आज भी अपनी शरीर से चुप्पू कर रही है। हाँ, तो फिर उसका योगफल इतना अच्छा होगा ही ना। अरे, ये तो आपने अनुमान लगा लिया ना। अनुमान से तो नुकसान होता है। उनको बाप की याद की सही प्रक्रिया का पता है। लेकिन हमें तो है, हम काम कर सकते हैं ना। हमें तो है, तो हम और जिनको है वो जन्म जन्मांतर के राजाए हैं। जिन राजाओं ने पतित पने की अच्छी तरह से प्रक्रिया अपनाई है वो यहाँ शूटिंग भी कर रहे हैं। तो सौगुना बोझ चढ़ेगा कि नहीं? अभी 63 जन्मों का पाप ज्यादा है विकर्म बनाएगा या इस जन्म का पाप ज्यादा विकर्म बनाएगा? काटा नहीं बनेगा। है? से काटा नहीं बनता है यार। किसका बनेगा? हाँ जी, बाबा। हाँ, पांडव के जो बच्चे हैं, पांडव नाम था। हाँ जी, कौरव कुरु के नाम था। यादव कुरु का नाम था। यादव यदुवंश है। यदुवंश जो नाम पड़ा है वो रूस और अमेरिका के जो फॉलोअर्स हैं, माने जो पुरानी दुनिया बनाने वाले हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े शराबी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, उनका नाम पड़ा है। जो समझते हैं कि हम बहुत याद करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में तो इतना याद ही नहीं करते ना। वो तो समझते हैं कि हमारी याद को माया तोड़ देती है। वो समझते हैं कि हमारी तो सहयोगी है, भगवान भी हमारा सहयोगी है और माया भी हमारी सहयोगी है। हम ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इस आखिरी जन्म में भी हम इतने सुख में हैं। बाबा, इसको आंटी वाला में मम्मी को लास्ट में बताया है तो कैसा बाबा है?
लास्ट में क्यों, वो तो पहले ऊपर ही रखा हुआ है। लास्ट में नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा? हाँ नजदीक तो है, लेकिन बाई ओर या दाई ओर? शंकर जी को बाई ओर रखा है या दाई ओर रखा है? बाई ओर। तो जो रुद्रमाला के मन के दो ऊपर है उनमें बाई ओर कौन है और दाई ओर कौन है? प्रैक्टिकल विनाश का कारण कौन बनता है? शंकर विनाशकारी है या शक्तियां संहार कारिणी है? तो शक्तियां जो संहार कारिणी बनती है उसका मूल कारण क्या होता है? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। माँ काली का रूप जब तक धारण न करे तब तक विनाश नहीं हो सकता। और गौरव मुरली ने बोला है कि बाप के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप और बाप की श्रीमत से क्यों और किसी चीज के आधीन में नहीं जाते। मेरे बच्चे वर्षे मेरे वर्षे के अधिकारी बच्चे, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनमें प्रजावर्ग की भी आत्मा है। किसी के बाप की प्रजा भी बनती है तो प्रजा अधीन होगी कि नहीं होगी? बाप के अधीन होगी। जो बाप है वो मनुष्य होगा या भगवान होगा? मनुष्य ही तो कहा जाएगा। भगवान के रूप में, भगवान जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है माया वायलोरा डालती रहती है, अनिश्चय पैदा करती रहती है, तो भगवान है या मनुष्य? अनिश्चय में तब मनुष्य हो, तो मनुष्य हुए ना उस समय। अनिश्चय में तब ना, अनिश्चय है तभी तो मनुष्य हो गए ना। लेकिन बाप को आदमी नहीं देंगे ना। हाँ इसीलिए वो शूटिंग हो जाती है, माया राजा बनने नहीं देती। जो राजा ही का वर्षा पाने वाले बच्चे हैं वो मेरे सिवाय, मेरी श्रीमत के सिवाय और किसी के आदि नहीं होते, क्योंकि मुख्यवर बच्चे हैं। 108 हैं राजा बनने वाले और 16,108 हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, राजा नहीं बनते हैं। तो वो लिस्ट में वो बांदेली माताएं भी आती है? किस लिस्ट में? जो राजा पद प्राप्त करती है आ सकती है, लेकिन वो तो आधीन में है ना बाबा। अरे अभी की आधीनता की बात थोड़ी ही है बाबा, किसी बांदेली माताएं जो है वो हाँ? इंतजार में बैठी है कि जब ताला टूट जाएगा तब हम भाग जाएंगे। ताला टूट जाएगा तब भाग जाएंगे? और आधीन है, आधीन होते हुए अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकती? लेकिन वो हुई अभी तक क्यों नहीं होगी? तुम्हें कैसे मालूम? तुम क्या अंदर अंदर सब जगह घुसे हुए हैं? मन बुद्धि को जिसने मुर्दा बना दिया वो विकारी सुख नहीं भोगता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया तो वो विकारी कहा जाएगा या निर्विकारी कहा जाएगा? तन को मुर्दा बना दिया, मन को बाप की याद में ऊपर उड़ा दिया, तो उनका पद बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन इसका कोई गायन तो है नहीं ना। किसका गायन नहीं है? एक बांदेली माता का मीरा का गायन है, लेकिन वो तो स्वर्ग जाती नहीं है। अच्छा मीरा स्वर्ग नहीं जाती? मीरा स्वर्ग नहीं जाती माने मीरा की आत्मा स्वर्ग में जाती नहीं बाबा, लेकिन तो प्रैक्टिकल स्वर्ग होगा। आप प्रैक्टिकल स्वर्ग में ही तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, ये नहीं स्वर्ग में जाएंगे तो जाएगा कौन? हाँ जी
भक्ति मार्ग में जो अष्टदेवों के नाम है वो दक्षिण भारत वालों से जाके पूछो, मंदिरों में दिए हुए। ओके, आठ के पीछे हमको तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है तो पूछो जाके। उन्होंने चित्र भी बनाए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, वायु देवता, इंद्र देवता, धर्मराज, कुबेर, ये नाम दिए हुए हैं अलग अलग, वरुण। ये भक्ति मार्ग वालों ने नाम दिए हैं अष्टदेवों के। रतन जो है वो नंबर वार होते हैं, ज्यादा वैल्यूबल और कम वैल्यूबल, और रतन जो देव है अष्टदेवों में स्लाइट अंतर है, क्योंकि आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं, तो पता नहीं चल सकता, फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर है, बाकी वो पक्के सूर्यवंशी है। जो रतन है वो है अपने अपने धर्म के बारह बारह के ग्रुप के मुखिया, जरूर पार्शलिटी होगी। और अष्टदेव जो है वो आखिरी जन्म की सिर्फ मात्र पार्शलिटी होती है, क्योंकि आखिरी जन्म में संग के रंग में आते हैं, बाकी 63 जन्म वो 62 जन्म सूर्यवंश को फॉलो करने वाले होते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं। जैसे सूर्य पार्शलिटी नहीं करता, तो सूर्यवंशी बच्चे भी पार्शलिटी करने वाले नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े पुराने परिवार होते थे भारतवर्ष में, एक बाप को 8-8 बच्चे होते थे, और उन 8 बच्चों के बच्चे पैदा होते थे, और खुदा न खास्ता 2-4 भाई बड़े शरीर छोड़ दें, या 7 शरीर छोड़ दें एक रह जाए, तो उनके बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह पालना करते थे। इस नरक की दुनिया में भी ऐसे सैंपल देखे जाते हैं। तो ये तो अष्टदेव है, भगवान बाप के पहलौटी की संतान। उनमें तो जरूर श्रेष्ठता होगी। और आत्मा की स्थिति की बात है, वो चाहे माताएं हो, पिताएं हो, भाई हो, बहन हो, जो आत्मा की स्थिति को धारण करे, पहले धारण करे, वो इस स्थिति में आ जाएगा। बाबा है संगम युग 100 वर्ष का बताया गया है। हाँ जी, उसमें किसी के लिए 40 वर्ष बताते हैं, किसी के लिए 60 वर्ष बताते हैं, किसी वर्ष के लिए 50 वर्ष बताते हैं, ऐसा क्यों? और किसी के लिए 100 वर्ष भी, किसी के लिए मैडम जैसे बाप के लिए 40 वर्ष बताया गया। हाँ, तो बाप 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो बाप प्रत्यक्ष होने लगता है। तो मतलब 100 वर्ष के बाद जो प्रत्यक्ष होंगे उनके लिए 100 वर्ष, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं प्रत्यक्ष होते हैं, 100 वर्ष के अंदर ही होते हैं। 100 वर्ष के अंदर जो जो प्रत्यक्ष होंगे वो सब 9 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे। टू लेट का बोर्ड लगता रहेगा। है लगता रहेगा, होएगा नहीं माना संक्षेत्र में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, 2000 में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, और अभी अष्टदेव के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं लगने वाला।
लगेगा तो फिर 100 साल तक आसदेव 100 साल तक प्रत्यक्ष होंगे, उसके बाद और कोई होगा 100 साल के बाद आसदेव के बाद दूसरा ग्रुप है सूर्यवंशी ग्रुप ही थोड़े ही है, आसदेव के बाद लसदेव भी तो है, उसके बाद दूसरा ग्रुप है चंद्रवंशी ग्रुप, वो भी तो 12 का ग्रुप है, फिर इस्लाम वंशी ग्रुप, बौद्धि वंशी ग्रुप, 70 वर्ष तक जो है हैं? 70 वर्ष तक कोई बात नहीं, सूर्यवंशी तो 9 लाख है, तो 70 वर्ष में कैसे प्रत्यक्ष होंगे, वो तो 100 साल जब पूरे होंगे तभी प्रत्यक्ष होंगे, 100 वर्ष के अंदर ही सारे धर्म की प्रकटता ऐसे होना चाहिए, सारे धर्म के जैसे अभी आपने बताया कि 100 और भी धर्म है जैसे सूर्यवंशी, आप बीज रूप आत्माओं की बात कर रहे हैं बाहर वालों की बात कर रहे हैं, बीज रूप की बात कर रहे हैं, तो बीज तो सिर्फ 9 लाख है, उनमें भी 4.5 लाख पक्के बीज है, 2000 में 6 टोलेट का बोल लो, 2000 में आपने तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता अभी बुद्धि में नहीं हुई है, इसका मतलब तो 95 में बता दिया ना, 95 में बता दिया ना, बता नहीं दिया, बताया कि 2 या 3 2000 आचार्य हो गए, 40 वर्ष के लिए करते हैं, तो ब्रह्मा को 2009 तक ही मिलना है, ब्रह्मा के लिए 2009 तक ही मिलना है, 2009 तक ही, हाँ ठीक है, सहयोगी बन जाएगा, सूक्ष्म शरीर जब तक है तो सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है, है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक अपोजिशन है, अपोजिशन खलास होगा तो वो आत्मा बुद्धि योग से पूरी सहयोगी बन जाएगी, माउंट आबू में जाना बंद हो जाएगा, अब माउंट आबू कब जाना बंद हो जाएगा, नहीं जाना बंद हो जाएगा, ये पहले से वो ज्योतिष यहाँ बैठे हुए हैं, 40 वर्ष दिया गया है, ये निश्चित है, एक तरफ जब पूर्णमासी होती है ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण होता है पूरा चंद्रमा होता है तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी दिशा में चंद्रमा अस्त होता है, जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है तब तक चंद्रमा पूरा अस्त नहीं हो सकता, और जब राइटियस रूप में सहयोगी होता है तो राइट साइड में दिखाते हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं ना, भुजाएं भी तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होती है ना, कोई भुजाएं राइट की राइटियस काम में सहयोगी बनती है, कोई भुजाएं लेफ्टिस्ट काम में सहयोगी बनती है, ब्रह्मा की जो आत्मा है वो एडवांस पार्टी के अंदर विनाश का कार्य करेगी या नहीं करेगी, है? करेगी, तो ये लेफ्ट का काम हुआ या राइट का, लेफ्ट का काम हो गया, छोटी मुनि का पार जो है वो राइटियस पार्ट है ना, राजस्थान का सीधे चलने वाली है, सीधे सड़क चलने वाली है, तो राम बाप जब और धर्म में जाकर राजा की स्थापना करेंगे जी, तो उसके साथ में नहीं मिलेंगे, क्यों और धर्म में तो कोई बात नहीं है, राजाएं लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, राजा की स्थापन करते हैं या रानियां स्थापन करती हैं, रानियां घर में रहती हैं रनिवास में रहती हैं कि फील्ड में जाती हैं, है?
इस्लाम धर्म हम जो पूछ रहे हैं उसका बात बताओ कि रानियां रनिवास में रहती हैं या फील्ड में जाती है? तो वो घर में रहेंगे जाती है ना, कोई ऐसे ही रुद्रमाला के मड़के होंगे है जो अपने पति के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते होंगे है। बाबा ये जो अभी राजस्थान में है उनका के पत्थर गिरे ऊपर से है, उनका के जो पत्थर गिरे हैं उसका क्या लगते हैं? क्या बढ़िया तुम्हें ग्रह उपग्रह हैं, उन ग्रह उपग्रह में टूट फूट होती रहती, तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो दूसरे ग्रहों के उपग्रहों के आकर्षण में आ जाता है। जोर से बोलो ना। रामवाली आत्मा की जो रानी बनती है उस धर्म में हाँ? तो वो झूठी मुनि बनती होगी। क्यों बनती होगी? दूसरे धर्म की स्थापना करनी है और रानी अपने धर्म की बनेगी जाके तो क्या हुआ? राम वाली आत्मा या अनेकों के साथ संबंध जोड़ती है या सिर्फ विजय माला के साथ संबंध जोड़ती है? विजय माला की है तो राम वाली आत्मा के साथ ही हुई है ना। वो तो मनसा की बात हुई लेकिन प्रैक्टिकल में अभी क्या है? प्रैक्टिकल में साफ नहीं है, प्रैक्टिकल में साफ नहीं है, प्रैक्टिकल में साफ भी नहीं है। और बुद्धि का योग जो है वो और दूसरे धर्म की आत्माएं उनको हक नहीं है बात से लेने का पहचाने तो अरे दूसरे धर्म की आत्माएं बाप को पहचानती नहीं है, टाइम आता है तो पहचानती है। कभी कोई धर्म सहयोगी बनता है कभी कोई धर्म सहयोगी बनता है। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो 12-12 के जो भी 9 ग्रुप हैं वो एक साथ खींचेंगे या नंबरवार खींचेंगे? तो जब नंबरवार ग्रुप होंगे वो अपने अपने टाइम पर बाप के नजदीक आएंगे तो उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां होंगी वो नजदीक नहीं आवेंगी, तो यहाँ जैसी शूटिंग होगी वैसा ही वहाँ होगा। उतने जन्म तक वो तो बोल दिया वरुण शंभु न तो राहु कुमारी कुछ बोल रहा था बोलते बोलते भूल गए। बाबा इस तरह के माला में जो बोध दिखा है रुद्रष्ट मनके में तो राजा बोला गया ना रेस्टोरेंट को तुम्हारी एक मंत्र का है जिसमें एक मुख दिखा जाए बाकी मंत्रों में तो और ज्यादा मुख दिखाते हैं ना। राजा मेरे इतने सारे आत्मा कैसे प्रवेश जो राजा बोला गया उनको तो स्वराज्य बोला है तो फिर मैं और आत्मा कैसे इतने ज्यादा प्रवेश ज्यादा भी मुख 16 भी मुख बता दिए मुख तो इतने सारे आत्मा कैसे प्रवेश होगी जब राजा बनने वाले आत्मा तो पावरफुल होती है ना। हर जगह में राजा बनेगी क्या? फिर भी शूटिंग पीरियड में जो लोग नहीं होते शूटिंग पीरियड में कोई परमत पर नहीं चलते हैं क्या? मनमत पर नहीं चलते हैं क्या? अरे नंबर वार है क्या? हमेशा श्रीमत पर ही चलने वाले होते हैं तो फिर इस राज में जो राजा आते हैं ना अनेक जन्म में राजा रहने के कारण शूटिंग पीरियड में भी वो जो पाप है किए हुए द्वापर कलयुग में उसकी शूटिंग भी तो यहाँ करेंगे ना। हाँ जी तो उनको मतलब सजा भी मिलेगी संग में तो सगुना पाप बन जाता है तो शूटिंग तो यहाँ करनी ही उनको है? वो
मतलब लाख गुना का बोझा तो उनको ढोना ही पड़ेगा। करेंगे तो बोझ ढोना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे ढोना पड़ेगा है? जिनके अंदर नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अगर संकल्प को ही रोक दिया तो प्रैक्टिकल कर्म में कैसे आएगा? बाबा तिरुपति मंदिर में भक्ति वार की एक बात सोच रहा हूँ। तिरुपति मंदिर में तिरुपति भगवान की जो मूर्ति है, काली मूर्ति, उनको नहलाते समय आंखों को कपड़ा बांध के नहलाते ब्राह्मण लोग, आंखों में कपड़ा बांधते नहलाते, ऐसे कारण क्या है उसका? नहलाने वाले दिखाई न पड़े मूर्ति में नहला रहे तो पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में पत्थर बुद्धि हो जाती है। अभी अभी तो मुरली में सुना, मुरली में सुना नहीं, भारत पारस बुद्धि और भारत पत्थर बुद्धि। तो अभी भारत क्या है? नहलाने वाले कपड़े बांधते आप? हाँ नहलाने वाले ही तो, लेकिन भारत चैतन्य नहीं है। नहलाने वाले ही तो आँख में पट्टा बांध देते हैं, वो बांध दे, जिसको दरकार होगी वो आँख में पट्टा बांधेगा या दूसरा बांधेगा। जो कुछ नहलाने वाले आँख में पट्टा बांध जाएगा, उनको दिखाई नहीं देगा नहला रहे क्या, पता कैसे है? जो नहलाते उन्हें अगर ये मालूम हो कि हम किसको नहलाते हैं, जो जगत को स्नान कराने वाला है, पवित्र बनाने वाला है, हम उसको स्नान कराते हैं। अर्ध चंद्रमा दृश्य न राहु, इसका संगम में क्या क्लेरिफिकेशन हो जाता है? राहु माने विधर्मी आत्मा, विधर्मी आत्मा है जो है, जब तक टेढ़ा चंद्रमा है तब तक उसको ओवर पावर नहीं करती अधूरे चंद्रमा को। तब तक की बात है संगम, ये उस समय की बात है जब चंद्रमा संपन्न बनने पर होता है, उस समय दूसरे धर्म की आत्मा है उसके ऊपर अटैक करती है। जो बाबा कहते हैं बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, अगर वो कन्वर्ट होने लगे तो उनके फॉलोअर्स उनके ऊपर हमला करेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे बड़ा धर्म गुरु देहधारी कौन? तो उसके जो फॉलोअर्स हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जो उसकी रहबरी में पले हैं, वो जब देखेंगे कि ये कन्वर्ट होता जा रहा है गुरुजी महाराज, तो उसके ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए लास्ट में खेल होगा, फाइनल पेपर जिसे कहते हैं। तो अर्ध चंद्रमा को ग्रस्त नहीं सकते, ये बात है या फिर पूर्ण होने के बाद उसको ग्रस्त? पूर्ण होता होने पर हो आता है, तभी उसके ऊपर ग्रहण लगता है राहु केतु पर। और तब तक तो सहयोगी बन के रहते हैं। बाबा खुदा ना खासा शरीर छोड़ेंगे, ये खासा कौन है? खुदा ना खासा माने छोड़ भी सकते हैं, न भी छोड़ सकते हैं। हाँ जी क्रांति, हाँ जी अति होती है तो अंत होता है, क्रांति का मतलब ही है पर अंति सिद्धांत। दुख की दुनिया का अंत या दुख की दुनिया का अंत? दुख की दुनिया का अंत नहीं होता है।
त्रेता के अंत में कोई क्रांति नहीं होती है, है? अगर क्रांति नहीं होती है तो अर्धविनाश कैसे होता है? तो सुख की दुनिया का भी अंत होता है और दुख की दुनिया का भी अंत होता है। लेकिन अंत कब होगा? जब अति होती है तो अंत होता है। हर युग के अंत में विनाश होता है ना? हाँ जी, हर युग के अंत में विनाश नहीं। जब अद्वैतवादी दुनिया द्वैतवादी बनती है, दो मतों वाली बनती है, तब विनाश होता है। या तो अनेक मतों वाली दुनिया एक मत वाली बनती है, तब विनाश होता है। बाकी द्वापर के अंत में और त्रेता के अंत में विनाश की बात नहीं है, सिर्फ परंपराएं परिवर्तित होती है। और विजय माला के मन कौन मुख है? झाड़ के चित्र में विजय माला के मन के हैं जो छोटे छोटे। हाँ, मुख बताए नहीं लिखते बाबा जो रुद्रमाला है रुद्राक्ष में मुख दिखाए जाते हैं, कोई में एक मुख, कोई में दो मुख, कोई में चार मुख। जो वृक्ष होते हैं रुद्राक्ष के, वो कौन से देश में ज्यादा पैदा होते हैं मालूम है? हाँ, उसका बेहद अर्थ क्या है? जो नई दुनिया का पालना करने वाला ग्रुप है, एडवांस पार्टी, उसमें जो ऊंची स्टेज पर रहने वाले हैं वहां रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं। कोई वृक्ष पांच मुखों वाला दाना पैदा करता है, कोई चार, कोई आठ। एक मुख वाला विरल मिलता है, नहीं होता होगा घने जंगलों में। है ऊपर क्या दिखाया? छतरी में मुख दिखाई देता है, अगर देखा जाए गौर से। क्या दिखाया? राजा के ऊपर हाँ जी, हाँ जी, हाँ छतरी छाया है। छतरी माने छत्र छाया शेर का मुख, छतरी में शेर का मुख दिखाया गया है। अच्छा, नई रिसर्च करी? जब स्वर्ग बनेगा तो जो बच्चे स्वर्ग में जाने वाले होंगे वो शेर की छत्र छाया में रहते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलो। त्रिकोटी के चित्र में जो गंगा बहती है ना? हाँ जी, उसमें बहती गंगा में कमल के फूल लगे हुए हैं, ऐसा क्यों है? बहती गंगा में कमल के फूल खिले हुए वो गंगा ही है, ये कैसे मालूम है? हाँ तो गंगा ही है, ये कैसे मालूम? हाँ,
कमल के फूल बहते हुए पानी में नहीं हो सकते। अगर पानी धीमी गति से बह रहा हो तो उसमें कमल का पौधा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता क्या? तालाब में होते हैं। हाँ तालाब में पर कमल होता है, और पानी बहता नहीं। वो हो जाने कहा देखा आपने, नदी में हुआ। हाँ जी राहुल और केतु राम कृष्ण वाले आत्मा के लिए बोले। माताओं कन्या को भी बोलने दो। कौन बोल रहा है? हाँ ऐसे टाइम भी हो सकती है प्रवेशता। हाँ तो एक दूसरे को अपोजिशन भी करते हैं। हाँ जी एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। उसको मुसीबत होती है और क्या होती है? राहुल और केतु राहुल कृष्ण वाले आत्मा है। राहुल कृष्ण वाली आत्मा राहुल और केतु दोनों राम कृष्ण वाली आत्मा है। राम कृष्ण की आत्मा है कोई और? राम कृष्ण की आत्मा राक्षस थे, उनका सर काट दिया गया। बहुत अच्छा मंथन है तुम्हारा। चंद्रमा की जो आत्मा है वो विदर्भी चंद्रमा तो कृष्ण वाली आत्मा है। चंद्रमा विदर्भी आत्मा है। चंद्रमा की रहबरी में पलने वाला। हाँ ये बात है, जो माता होती है वो इतनी मोहमयी होती है कि कोई भी बच्चे को चाहे जितना भी दुष्ट हो अत्याचारी हो उसकी उसको अपनी गोद से दूर नहीं करना चाहती। उस हिसाब से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे बिगड़ते हैं, माँ थोड़े ही बिगड़ी हुई करेंगे। हाँ लेकिन राखी तो मिल सकती है, राखी तो मिल सकती है। राखी राम कृष्ण की और राहु केतु की। राम कृष्ण की राखी कहाँ मिलती? राम की राहु से। हाँ केतु से तो कोई नई बात थोड़ा ही, राम रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है। हाँ जी अगर राम रावण न बने और कृष्ण कंस न बने और दोनों साथ ही हो जाए न हो जाए तो फिर ये दुनिया जो पापों की दुनिया है वो खलास भी नहीं हो सकती। और बाबा मुरली बोलते हैं कि मैं पतित तन में पतित देश में आता हूँ, पतित तन में पतित देश में आता हूँ। जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो तन जो अंतिम आत्मा जन्म होता है उसमें उतना पतित कर्म करते तो दिखा नहीं जाता हो। तुम क्या देखने के आदि हो पतित कर्मों को? अरे ये कोई चीज देखने की होती है क्या? तो फिर कैसा ऐसा बोला है? ये चीज कोई देखने की होती है क्या? कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की सारे कर्म देखते रहते हैं बचपन से ही। ये प्रश्न अक्सर करके पैदा होता है कि जिस पति तन में बाप आता है तो वो तो शादीशुदा तो है ही नहीं, तो पतित कैसे कहा जाता है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आज की दुनिया में जिसकी शादी हो वो ही पतित बनता हो। बाबा ने तो शादी की परिभाषा ही दूसरी बताई है, विकार में जाना माना शादी होना। जैसे दुष्ट संकल्प भी अगर कोई करता है, दुष्ट कर्म भी कोई करता है, या दुष्ट वाइब्रेशन भी अगर छोड़ता है, तो भी उसको जो है पतित कर्म में उसको लिया जा सकता है। इसीलिए तो बोला है कि उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से बायोस्कोप देखने से सबसे जास्ती बुद्धि का पतन होता है, ज्यादा पतितपना आता है।
तो ये बात कैसे लागू होती है आत्मा के ऊपर, हम ये जानना चाहते हैं। माना वो उपन्यास नहीं पढ़ सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है बाबा। वो आत्मा जो है वो बायोस्कोप नहीं देख सकती, नहीं देखा होगा यार। में आने से पहले करता होगा तो करता होगा, ज्ञान में जब से करता होगा तो करता होगा, तभी पकड़ बनता होगा। ज्ञान में आने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं देखा। ये वाइब्रेशन फैल रहे हैं चारों तरफ है। अच्छा कीजिए ताकि हमको समझ में आवे। अच्छी तरह समझो, यहाँ कोई बोलने की मनाई दौड़े ही है, खोल खोल के बोलो। हाँ बोलो, क्या खुल के पूछो ना। हमने तो पूछा, आप उसको कहाँ पूछा। तुम्हें शर्म आ रही है पूछने में। हाँ बोलो बोलो, आप खुल के बताइए। क्या खुल के बताए, हम तो बताया ना, हम तो बता दी बात है कि उपन्यास पढ़ने से और बायोस्कोप देखने से आत्मा का सबसे ज्यादा पतन होता है। और बायोस्कोप में क्या होता है और उपन्यासों में क्या होता है? गंदे से गंदे उपन्यास चल रहे हैं आजकल, जिसमें गंद ही गंद दिखाई जाती है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्रवेश किया है, वो उसकी लौकिक उम्र जो है 25 साल की आसपास थी है, 25 साल के आसपास थी। तो अभी तो उसका बाल्यकाल ही चल, क्या बोलते हैं, 25 साल लौकिक उम्र, 25 साल कैसे आसपास है, 25 साल की आसपास की कोई उम्र। हाँ 76 में 25 साल कैसे लगा लिया? 76 में 69 पकड़िए ना, 69 में प्रवेश होता है शिव का। 69 में वो ज्ञान में आता है ना, ज्ञान में आता है 69 में, ज्ञान में आने से वो उसमें वो 25 बना तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ओ जमदे जामदे होता है क्या? मुरली बोला जमदे जामदे हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? अरे हथेली पर आम जमाया जा सकता है कि मिट्टी डाल दो और उसमें बीज डाल दो और आम पैदा हो जाए? परिवर्तित होने में टाइम लगता है या तुरंत हो जाता है? 69 से 77 का जो समय है ये उसके चेंजिंग पीरियड होता है, ये उसके लाइफ का चेंजिंग पीरियड होता है। उसके बाद चेंजिंग नहीं होती है, और उसके बाद तो एक बार चेंजिंग हो गया तो हो गया, फिर पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया फिर तो पूरा प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्ष हो ही रहा है धीरे धीरे। नहीं सबसे ही हो रहा है, जितना मुझे ब्राह्मणों की दुनिया की बात नहीं, अगर संपूर्ण प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारे संसार में लहर फैल जाएगी। जो आत्मा सामने आएगी दृष्टि के वही चेंज हो जाएगी। बाबा शंकर पार्टी के नाम एक, से जैसे एक एक आत्मा अगर संपन्न बन जाएगी तो उसके सामने जो भी आएगा वही चेंज हो जाएगा। जैसे नेहरू जी के सामने कोई विरोधी कितना भी पीछे से विरोध करता हो, जब सामने आता था तो अवरोधी बन जाता था, विरोध भाव खत्म हो जाता था। ऐसे ही जो जो संपन्न स्टेज प्राप्त करते जाएंगे उनके सामने जो भी आएंगे दृष्टि मात्र से ही सहयोगी बनते जाएंगे, वाचा भी चलाने की दरकार नहीं रहेगी। अभी तो कितनी घिसघिस करनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी, ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मण बाप के सामने आते हैं वो तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं ना। अच्छा उनको माया तंग नहीं करती? माया तो उनके कर्मों के हिसाब से तंग करती है। और किसके हिसाब से कर्म कर्म है जो अभी चल रहे हैं उन्हीं कर्मों की बात है ना, आपके हिसाब से तंग नहीं करती ना है? बाप के जो वाइब्रेशन है हाँ? अगर उस वाइब्रेशन में वो आत्मा रहती है हाँ? उस पीरियड में माया तंग नहीं कर सकती। ये कोई जरूरी नहीं हाँ? चार अवस्था में अपना जाना। हाँ जी हाँ, उनका एडवांस में भी होगा, होता ही है। और
हाँ होगी है जब तमो प्रधान होती है अनेकों का संग करग लगता है तो तमो प्रधान होती है, जब एक के ऊपर निश्चय बैठता है तो सतो प्रधान होती है, एक के ऊपर पूरा निश्चय बैठता है तो सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, सतो प्रधान बुद्धि हो जाती है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरों का असर पड़ जाता है। बाबा महावाक्य आते हैं, बाप दादा चाहे तो अभी वापस जा सकते हैं, ये कौन से साल से लागू होती बात, कौन से साल में ये बात 76 के लिए बोला है? हाँ जी, बाप दादा चाहे तो अभी वापस जा सकते हैं। हाँ जी, मैंने संपन्नता हो गई, ये अर्थ हो जाता है। हाँ, चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन चाहे कैसे? कोई बाप अपने बच्चों को जलती हुई आग में छोड़ करके जाता है? उसकी बात का पीरियड बाप बच्चों के लिए जी रहे हैं, यही अर्थ होता है। और किसी के माता पिता हैं तो उनको अपना फर्ज निभाना है या ऐसे ही चले जाएंगे? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ जावेंगे। हैं कि खुद तंग होते हैं है? खुद गरीब गरीब तंग होते हैं कि बच्चे बाप को तंग करते हैं है? नहीं नहीं नहीं, वो आदमी के बाप होते हैं है? तंग होना माना परेशान होना, परेशान वो होता है जो पर की शान में रहता है। परिस्थिति की शान में रहना और परेशान होना, ये दोनों विरोधी बातें हैं। है? क्या बन जाएगा? है? बच्चे तो होने चाहिए, बिना बच्चों के कैसे हो जाएगा? है? बच्चे कब तक बन जाएगा? बच्चों का टाइम नुदा हुआ है, बाप तो प्रत्यक्ष हो ही गया, थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष हो गया तो, ज्यादा के सामने प्रत्यक्ष हो गया तो, जब सात्विक स्टेज होती है तो प्रत्यक्ष हो जाता है। है? नवग्रह है। हाँ, तो उसके अलावा बाकी तीन ग्रह है ना, नेपच्यून, प्लूटो और हर्षल। हाँ, वो ये तीन ग्रह ये नौ ग्रह को सहयोग देते हैं कि ग्रह अष्टदेव और नष्टदेव, अष्टदेवों को नष्टदेव सहयोग देते हैं या विरोध करते हैं? है? विरोध करते हैं। बारह ज्योतिर्लिंगम जो है वो अस्तित्व से क्या कनेक्शन है और उसके विशेषताएं क्या है? अष्टदेव से क्यों, वो बारह है, वो आठ है, अलग है किसी उसके से मिले हुए? अरे बारह जो है वो सूर्यवंशी है या दूसरे वंश के? जब सूर्यवंशी है तो अष्टदेव और नष्टदेव दोनों ही पावरफुल है ना। अष्टदेव इसलिए पावरफुल है कि बाप उनका पक्ष लेता है, नहीं तो देवताएं में अपनी ताकत तो होती नहीं। और नष्टदेव इसलिए पावरफुल है कि वो जन्म जन्मांतर का उनमें आसुरी स्वभाव भरा हुआ है, उन्हें बाप की दरकार भी नहीं है, नास्तिकपना भरा हुआ है। अलग है तभी तो नष्टदेव है, वो अष्टदेव है वो नष्टदेव है, अलग है तभी तो, नहीं तो अष्टदेव के साथ उनको भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। उनका गायन क्यों, उनका पूजन क्यों नहीं होता?
अष्टदेवों का इतना पूजन क्यों है? हाँ जी, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, उनमें भी नंबरवार है पूजा के लिए है। हाँ जी, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी है या विरोधी है? सहयोगी है। और बाबा आदि में 1936 में जब शिंतु ब्रंथ ने दृष्टि पर आए हैं तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन का बीज बोने के लिए गीता माता में प्रवेश किया और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन बोने के लिए सेवाग्राम में प्रवेश किया है। तो श्रीमत अनुसार दोनों का उम्र तो उस समय 60 साल होना चाहिए है। और मुरली में ये आया कि 10 वर्ष के साथ में रहने वाला माना जो सेवक राम जो थे उनके दादा लेखराज के साथ पहचान करीब 1926 में थी। 10 वर्ष पहले 1926 में गीता माता और सेवक राम दोनों का उम्र करीब 50 साल होता है। 50 साल के लगभग आता है सेवक राम और गीता माता 1926 में। हाँ ठीक है। तो और पहली मुलाकात भी दादा लेखराज के साथ 1926 में हुई सेवक राम और दादा लेखराज की। हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या बोला ही है मुर्मू ना बाबा। हाँ, तो उसके बाद ही गीता माता को दादा लेखराज ने गीता माता को सेवक राम के साथ विवाह करके दे दिया। विवाह करके दे दिया, ये क्या आप पीछे पीछे थे? 1926 और 36 के बीच की बात है ना बाबा। हाँ? बीच की बात है ना 1900। अरे विवाह करके दे दिया कि क्या करके दे दिया, ये सब बात कहाँ से आ जाती है? कोई प्रूफ है इसका? मन के गुंतारे हैं। लेकिन जीजा तो थे ना सेवक राम। हाँ, सेवक राम जीजा थे, उनके बहनोई थे। हाँ। वो बात पक्की है, लेकिन गीता माता अकेली माता थी या कोई दूसरी माता भी थी? नहीं, लेकिन जब तो उन्होंने अपने साक्षात्कारों का अर्थ समझाएंगे तो अपनी बहन को ही समझाएंगे ना, दूसरे और किसी को क्यों समझेंगे? ये कोई जरूरी है बाबा, ये हो सकता है कि जो आदि राधे थी वो पहली बीवी हो सकती है और गीता माता दूसरी बीवी हो सकती है। ये सब बात जो है, बीवी हो सकती है कि बाबा हो सकता है, ये सब अनुमान की बात है। दीदी दादियाँ जो पुरानी दादियाँ हैं वो असली बात जानती है कि असलियत क्या है, बाकी हम लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात बोल नहीं सकते। बाबा ये रात की दीदी दादियाँ खोलेंगी मुरली के दोनों आएंगे। बाबा ने तो ऐसे ही मुरली में बोला है, इनके फोटो भी इनके पास है, बच्चियों के पास फोटो तो ठीक है, लेकिन बाबा ये सब बात जिसके फोटो होते हैं, फोटो किसके रखे जाते हैं? जिसका नजदीकी संबंध होता है उसी का फोटो रखा जाता है, दूसरों का रखा जाता है? अनुमान लगाने से नुकसान होता है। हाँ, मेरे फूफा और फूफी दोनों थे जिसके यहाँ मैं आना जाना करती थी। हाँ जी, ऐसा वो अंक में बताया हुआ है। ये थोड़ी बताया है कि सेवक राम कौन था, कलकत्ता की बात है। नाम तो नहीं बताया ना? नाम नहीं बताया, कलकत्ता बताया। तो कलकत्ता में कोई ढेर सारे लोग रहते हैं, बीमारी के व्यापारी और पार्टनर थे, ये भी बताया है, व्यापारी और पार्टनर थे। हाँ ठीक है, उनका जो बहनोई था वो भी जो व्यापारी था, जौहरी था, और दादा लिंगराज भी जौहरी थे। हाँ, सेवक राम किसका नाम बताया? पूछने गए थे कलकत्ता में। नहीं, हम कहाँ पूछने गए? हम गए थे, हम रविंद्र भाई से गए थे। किससे पूछने गए? 2000 साल की बात है, जब भट्टी कर रही थी ना। हाँ, तो हम लोग कुछ महीने भी गए थे। किससे पूछने गए? वो इमारत देखने गए थे जहाँ दादा लिंगराज। तो पूछा किससे? बुजुर्ग भाई थे 80 साल के। हाँ, उन्होंने कहा कि सेवक राम भी एक थे कर दिया। एक थे, वो उनके बहनोई थे, ये क्या पक्का है? हमने उनसे लिखवा दिया, उनका नाम मिथानी करके नाम है, वो सुनती है। तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी बताया कि उनके बहनोई थे। इसको जरूर कहा कि सेवक राम भाई थे। वो तो बाबा ने मुरली बोल दिया, उन्होंने बालन बाबा पुस्तक में भी छपा दिया। बच्चे भी है, हाँ तो बच्चे हैं, तो वो ये पूछना है कि वो बच्चे कहाँ हैं, उन बच्चों से सही बात पता चलेगी।
रावण जैसी आत्मा सब जगह है, रावण जैसी आत्मा सब जगह है। पर रावण को भारत में ही क्यों जलाया जाता है? भारत में जलाया जाता है, जलाया जाता है। हाँ जी, क्यों जलाया जाता है? राम कहाँ होता है? राम भी यही होता है भारत में, और रावण भी यही होता है भारत में। तो जलाने वाला कौन और जलने वाला कौन? जलने वाला रावण और जलाने वाला राम। तो अग्निबाण छोड़ता होगा है? अग्निबाण छोड़ेगा तभी तो जलेगा। आपकी बात नहीं, खुल के सामने आई दीदी को कोई दूसरा बोल पड़ा। है नहीं नहीं वो इधर से प्रश्न हो गया ना दूसरा, तो बात अधूरी रह गई। मुरली ने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मन की मुरली भी तो चलती है। बाप जो है राजा बनने का पढ़ाई पढ़ाते हाँ जी, और सबसे ज्यादा लंबी जो राजा ही की है वो इस्लाम मुस्लिम लोग धर्म वालों ने की। कौन से युग में? द्वापर के बाद। हाँ, द्वैतवादी युग में। द्वैतवादी युग में इस्लामियों ने सबसे लंबे समय तक राजा ही की। लंबे समय तक राजा। हाँ जी, तो यहाँ पर बाप के सबसे नजदीक जाके पढ़ाई, सबसे ज्यादा पढ़ाई पढ़ने वाले भी क्या उसी धर्म से कनेक्टेड वाले हैं? नहीं, उनका राजा इतना आगे तो कैसे जाता है? द्वापर के बाद ही सही, लेकिन इतना राजा दुनिया में जो पावरफुल धर्म है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा जनरेशन फॉलो कर रही है दुनिया की, वो कौन कौन से हैं? दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जनरेशन जिन धर्मों को फॉलो करती है, वो कौन कौन से धर्म है? है इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। ये मुख्य दो पावरफुल है ना, तो जो नई दुनिया होती है उसमें ही दो पावरफुल आत्माएं हैं, एक राम और दूसरा कृष्ण। और कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। वो एक खून हो गया तो दूसरा खून कौन सा हुआ है? आखिर इस्लामियों का जन्म जो है वो कौन से खून से होता है? सूर्यवंशियों से होता है या चंद्रवंशियों से होता है? किससे होता है? त्रेता युग के अंत में इस्लाम धर्म आता है, तो उस समय कौन सी जनरेशन चलती है? राज्य किसका होता है? राम का राज्य होता है ना, जो गायन होता है शास्त्रों में, तो वो किसकी औलाद है? लेकिन बाबा त्रेता युग में तो राम कोई और है ना? है राम तो राम वाली आत्मा नहीं होती। हाँ, राम वाली आत्मा त्रेता युग में नहीं होती। त्रेता युग में राम के नाम पे तो नहीं होती ना। राम के नाम पर राजा ही नहीं चलती है, राम के नाम पे चलती है। हाँ, तो राम जब काम करने वाला नहीं होगा तो उसकी राजा ही कैसे चलेगी? त्रेता युग के पहले जन्म में राम की आत्मा राजा ही लेती है या नहीं लेती है? अरे शूटिंग हाँ उधर नहीं लेती है, उधर तो। लेकिन बाबा राम की आत्मा कोई और ही है ना, राम की आत्मा राम नहीं रहती है ना, त्रेता युग के पहले सीता बन जाते हैं। सीता बन जाती है, कोई भी हो, सीता हो या राम हो, दोनों मिलकर के एक संस्कार के हो जाते हैं ना। जब दोनों भी संस्कार मिलकर के एक हो, चाहे उनको राम कहो चाहे सीता कहो, या दोनों को हिसाब किताब एक है, वो तो जन्म जन्मांतर साथी है, उनकी बात ही अलग छोड़ दो, लेकिन है तो राम का राज्य ना। तो संतान किसकी हुई? राम की संतान हुई। तो क्रिश्चियन किसकी संतान है ओरिजिनल में? है माँ बाप के बच्चे हो गए। माँ बाप की सारी दुनिया बच्चे हैं। नहीं, लेकिन वो बहुत लाडले हो गए।
कौन लाडले हो गए? लाडले देवता हो गए या पहले लाडले असुर हो गए? आसुरी जाति शुरू होता है 2500 साल के बाद। वास्तव में वो भी जो संतान बनते हैं वो राम की डायरेक्ट संतान नहीं बनते। 13 जन्म के बाद जो सबसे नीची डायनेस्टी में गिरते हैं जाकर के, सीढ़ी के चित्र में जो 12वीं और 13वीं डायनेस्टी कटी हुई दिखाई गई है, खंडित की हुई डायनेस्टी दिखाई गई है, उनकी औलाद बनते हैं। तो राम की डायनेस्टी में भी डायनेस्टी को खंडन करने वाले कौन है? उनकी औलाद बनते हैं। हाँ जी, राजा जी का मर्तबा तो द्वापर कलयुग में होता है, असली त्रेता में तो राजा जी का कोई मर्तबा तो थोड़ा अधिकारी होती है। वहाँ कलाएं कम होती है या नहीं होती है? होती है, लेकिन देवान कम नहीं होता ना। देवान कम नहीं होता? आठ कला देवान वहाँ पे, आठ कला का देवान कम नहीं होता है? राजा का मर्तबा जो है द्वापर कलयुग में होता है। आप कौन सी राजाई ज्यादा अनुशासनहीनता वाली राजाई पसंद करते हैं या कम अनुशासनहीनता वाली राजाई पसंद करते हैं? आपकी कैटेगरी कौन सी है? यहाँ जो है स्वराज अधिकारी बनते हैं। आप बताइए, आप हम ना जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपको पसंद क्या है? स्वराज अधिकारी। अनुशासनहीन राजाई पसंद है या अनुशासन में रहने वाली राजाई पसंद है? अनुशासन रहने वाली ना। अब महाराजा बनेगा तो नेचुरली दोपहर करोगे वो राजा बनेगा ही ना। महाराजा जो संगम युग में बनते हैं वो महाराजा नहीं होते हैं? होते हैं, सारे विश्व के महाराजा होते हैं। ये संस्कार कहाँ से बनने? तो फिर मैं ये कह रहा हूँ जो क्षत्रियता जैसे राम राज्य की दुनिया में जो राजा होते हैं तो दोपहर कलयुग में उनको तो वो वर्षा मिलेगा ही ना। और ऐसे कर्म की यहाँ शूटिंग करेंगे तो मिलेगी, अगर यहाँ ऐसे कर्मों की शूटिंग नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो इस्लाम और क्रिश्चियन के जो राजा बनते हैं वो स्वर्ग में राजा नहीं बनते होंगे ना? ये कोई जरूरी नहीं, स्वर्ग में राजा ही होते ही नहीं। तो उनको तो इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को जो नारायण बनते हैं सत्युग में वो दूसरे धर्मों के आधारभूत नहीं होते हैं? लेकिन वो राजयोग नहीं सीखते ना। जो नारायण है बनने वाली आत्मा है वो सत्युग में राजा बनती है या नहीं बनती है? बनती है, और वो ही जाकर के वहाँ राजा बन जाते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट बाप से राजयोग सीखते नहीं है ना। हाँ तो उतनी कम प्राप्ति होगी। राजयोग सीखे जो डायरेक्ट सीखेंगे उनको उतनी ज्यादा प्राप्ति होगी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे उनको कम प्राप्ति होगी। राजयोग की पढ़ाई इनडायरेक्ट कहाँ? इनडायरेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट होती। मैं डायरेक्ट उसने उससे सीखा तो जो डायनेस्टी हुई वो बदलती गई ना। डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले राजा महाराजा बनते हैं? हाँ, डायरेक्ट जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो ऊंचे से ऊंचे राजा महाराजा बनते हैं। तो राजा माया अगर पढ़ाई पढ़ा तो वो तो डायरेक्ट देता भी नहीं जा रहा उसने। लेकिन सत्यु के नारायण बनेंगे कि नहीं? नारायण बनेंगे, लेकिन वो तो जब सत्यु के नारायण बनेंगे तो उन्होंने यज्ञ के आदि में कुछ पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? यज्ञ के आदि में शुरू पढ़ते हैं। फिर क्या बात है, किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज्यादा पढ़ा, किसी ने अंत किया, किसी ने आदि किया, पूरी पढ़ाई पढ़ने, किसी ने आदि और अंत दोनों किया। पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले ही मेरे से पूरी बढ़ता पाते हैं। अब वो यहाँ की बात है, संगम युग में जो स्वर्णिम काल का सुख है वो श्रेष्ठ आत्माएं पाती है। और 2500 साल का जो राज है वो उतना ही करते हैं कबर युग से है? इस्लाम धर्म की राजाई 2500 साल चलती है विश्व में। हाँ, लेकिन वो भारत में कब उनको राजाई प्राप्त होती है? भारत में उनको कलयुग में राजाई प्राप्त होती है। उनको जब तक राजाई भारत में प्राप्त नहीं होती है तब तक जो भारत में जो राजाई बनते हैं वो यहाँ उनके और उनके प्राप्ति में जरूर फर्क होता होगा। हाँ जी, क्योंकि भारत की राजाई जो है वो अनुशासन वाली राजाई है। हाँ, तो वो संघर्ष में कैसे फर्क पड़ता है?
जैसी यहाँ शूटिंग होती है वैसा वहाँ बनता है। सर कौन सी आत्मा है? सतयुग को द्वापर से टैली कर सकते, और त्रेता को कलयुग से टैली कर सकते। सतयुग में महाराजाएं होते हैं, राजाएं नहीं होते, और त्रेता में राजाएं होते हैं, महाराजाएं नहीं होते। द्वापर युग में महाराजाएं और राजाएं दोनों होते हैं, और कलयुग में महाराजा कोई नहीं होते, सिर्फ राजा ही राजाएं होते। सम्राट महाराजा का है? सम्राट बाबर। और सिर्फ भारत देश का है ना कि विदेशों का? क्या है दो भले? सम्राट का मतलब है सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला। ऐसे बोल सकते हैं ना, पवित्र राजा है और अपवित्र राजा है। पवित्र राजा है भारत के, हाँ जी, अपवित्र विदेश। हाँ जी, हाँ जी, जवान भारत के अंतिम राजा थे ना। है हिंदू, हिंदुओं में। हाँ, तो मतलब वो कौन सी आत्मा का ऐसा ऐसा पार्ट था? कौन सी आत्मा का पार्ट था? बाबा ने तो बोला नहीं कि मैं एक एक आत्मा का पार्ट बताऊंगा। नहीं, ऐसा मतलब जैसे पृथ्वीराज चौहान को भारत के हिंदुओं का मतलब अंतिम राजा बताया गया। हाँ, तो भारत में जो भी आत्माओं ने राज किया है, हाँ, तो कलयुग के अंत में दोनों तरफ की आत्माओं ने राज किया है। हाँ, पवित्र आत्माएं और अपवित्र आत्माएं दोनों की आत्माओं ने राज किया है। नहीं, कलयुग के अंत में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो जाता है। राजाई जैसे थोड़ा पहले राजाई चलती है। हाँ, जब तक भी राजाई चलती है तो भारतवासियों की तो राजाई खलास हो जाती है। कलयुग में तो विदेशी आकर के शासन करते हैं। स्वामी जी तो भारत भारत में ही रहते हैं, बीज भारत में है, तो फिर भारतीय हो गए ना। ऐसे थोड़े भारतीय हो जाते हैं, कन्वर्टेड भारतीय है कि नॉन कन्वर्टेड है? अभी बहुत सारे हिंदुओं को कौन सा मुस्लिम राजा था उसने जो है मार मार के सबको मुसलमान बना दिया। अच्छा, तो जो अभी कन्वर्ट हो गए वो तो सारे हिंदू से ही मुसलमान बने हैं ना, कन्वर्टेड। हाँ, तो कन्वर्टेड हुए ना, उनकी जाति बदल गई ना। हाँ, तो हिंदू कहेंगे मुसलमान कहेंगे? जो पक्का हिंदू होगा वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के? हाँ जी, जो पक्का अपने धर्म का होगा वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके, मुरली में बोला है। किसमें? हाँ, पक्के देवी देवता में। तब तो सतयुग में, सतयुग के पहले जन्म में और संगम युग में वो 16 कला संपूर्ण राजाई प्राप्त करते हैं। रामायण जी के भाई है, रामायण जी के भाई है। हाँ, भाई संकट की मारा दीन दयाला का उचल्या हिस्सा है। हम्म, तो भाई संगम युग किस समय की घटना है? हैं, संगम युग किस समय की घटना है? संगम युग की जैसा प्रत्यक्षता होती है दो पैर में, सिखों में कहते हैं दोपहर के 12 बजे उनकी अकल ठिकाने आती है, तब तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता अमृत वेला होती है या दोपहर के 2 बजे? हैं, दोपहर के 2 बजे? विदेशी लोग तो 12 बजे मानते हैं। बाबा ने मुरली में बताया कि वास्तव में जब कृष्ण वाली आत्मा संपन्न बन जाती है तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाता है। बच्चे के बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनमें सबसे लास्ट का धर्म है जहाँ राजाई चली है। कौन सा? नहीं, सबसे लास्ट का धर्म कौन सा है जिसमें राजाई चली है? और समझिए, राजाई होती है सिख धर्म, सिख धर्म। तो लास्ट में ही समझेंगे या सवेरे ही समझेंगे? जब खूब सूरज ऊपर चढ़ जाता है, बहुत तपत हो जाती है,
तो बुद्धि खुल जाती है। सबसे जाती राजाई क्यों मिली? राजाई इसलिए मिली कि उनका बुद्धि का ठिकाना एक जगह रखा हुआ है, काबा में। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान रहने वाला होगा, उनके जीवन का लक्ष्य ये होगा कि हम अपनी जिंदगी में एक बार काबा के दर्शन जरूर करेंगे। सारा जीवन उनका बुद्धियोग एक जगह रखा रहता है। वहाँ जाने के बाद वो हाजी बन जाते हैं। हाजी, हाजी बन जाते हैं, हाजी नहीं। हाँ अब तो टाइम तो बहुत हो गया।